नमस्ते, मैं हूँ डायरेक्शन श्रेया और आज मंडे मोटिवेशन पर हमारे साथ है निशानवीर और उनके फादर। निशानवीर ने वेट लॉस किया है, वो हमारे पास आए थे 122 किलोज पर, जिसमें विसरल फैट 24 था, मसल्स ड्रॉप थे, एज कम है। तो हम लोग चाहते थे कि अगर बीएमआई 39.9 भी है और एज कम है तो हम लोग हाइट पे फोकस ना हटाएं, हाइट पे फोकस रखें, मसल पे फोकस ना हटाएं, डाइट में पोर्शंस कम नहीं होने चाहिए। तो 122 किलो से आज इनका वेट है 83 किलोस और इनका जो अभी गोल है वो है 80 या फिर 75 का। सो आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, 122 किलो से 83 पर निशानवीर आ गए हैं, वेट लॉस किया है, साथ में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि आपको उनके फादर इंस्पायर करें। ये ओके, सो सर पहले तो जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती जाऊंगी ताकि आपको जो लोग देख रहे हैं आपसे कुछ सीखे, ठीक है? तो पहले मैं आपको मेरा जो मुझे याद है बताती हूँ। निशानवीर के साथ उनके फादर आए थे और ऐसे फादर जो अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न थे और बैठे हुए थे, बहुत सपोर्टिव थे। मतलब कई पेरेंट्स होते हैं ना कि उनके डिसीजन पे साथ खड़े हैं, अगर वो गलत भी हैं तो भी वो उनका हाथ संभालने के लिए खड़े हैं। सो सर पहला क्वेश्चन, आप जो क्लिनिक में आए थे 122 किलोज का निशानवीर थे, आपको क्या लगा था ये कर लेंगे? वाओ, कैसे लगा था कि वो कर लेंगे? मैम इसने मुझे खुद फोर्स किया था यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, कुछ हमारे में जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो ठान लिया। मेरे ख्याल से जो सिंह होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पंजाबी लोग ऐसे ही होते हैं, जब एक बार ठान लिया तो वो करके दिखाएंगे। बस मैम काफी डेडिकेट रहा है ये। अच्छा, सारी जर्नी में अपनी एक बार भी मतलब बैकआउट नहीं हुआ, मतलब कई बार तो जैसे एक एक दो दो महीने इसने चीट भी नहीं किया। अच्छा, ये चीट कर भी रहता था जैसे एक महीने में दो महीने में एक बार किया तो इसने ये तो गलत फील होता ये मैंने क्यों कर दिया। अच्छा निशान, सेकंड क्वेश्चन आपसे होगा, आपको ऐसा लगा कि वर्थ है अपने आप को डिसिप्लिन में रखना? yes. क्या वर्थ लगा आपको? yes. कोई नुकसान हुआ आपको वेट लॉस करके? नहीं, अच्छा लगा। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? तीसरा क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अच्छा, तो पहले नहीं था बिल्कुल भी, घर से बाहर तो निकल ही नहीं पाता था। और मैम दूसरा भी जैसे हम पहले तो हम जैसे क्लोज की शॉप पे जाते थे हम कपड़े वगैरह नहीं मिलते थे, तो अब तो हम आराम से हो जाते, तो इसके नाम काफी अच्छा लगा। और अब तो और अच्छा लगता होगा, लाल पीले कोई भी कलर पे हाथ रखो और वो आपका साइज अवेलेबल है ना, और अच्छा लगता है। सो बेनिफिट आपको ये लगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कपड़े आने लग गए। आपको ऐसा लगता है कि क्या वेट लॉस करके कुछ डेफिशिएंसी हुई है बॉडी में? यस मैम, पहले तो अंदर से वीकनेस फील होती थी, डार्क सर्कल थे मेरे और बहुत कुछ थी प्रॉब्लम, जो अब सही है। अब सही है, ठीक है। अच्छा सर, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कई लोग का क्या होता है कि 125 किलोज हो गया, 122 किलोज हो गया, हम उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि अरे हम एक हफ्ता करके देखेंगे, एक महीना करके देखेंगे, कुछ हुआ ठीक है, वरना फिर वो छोड़ देते हैं। पेरेंट्स भी क्लिनिक एनकरेज नहीं करते, आपके क्लिनिक का बहुत रोल है। अच्छा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, चाहे वो वाटर वेट था, चाहे वो कुछ भी था, मतलब बच्चे को ऐसा लगा कि बड़ा सही लाइन पे जा रहे हैं। तो पहले मंथ में नियर अबाउट 8-12 किलो लूज हो गया, तो फिक्स डाइट पे रहा ये। तो अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात थी मैम आपने इसको आपके क्लिनिक में एक दिन छोड़ो भाई एक टाइम के लिए भी भूखा नहीं होता, कुछ ना कुछ खाने को दिया, वो न्यूट्रिशन वाइज अच्छा था। तो साथ में मैंने जो सप्लीमेंट्स जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दिए उनकी बहुत हेल्प हुई। उससे कोई डार्क सर्कल्स या चेहरे पे या कोई भी गलत निशान कुछ भी नहीं, तो इम्यूनिटी लेवल बड़ा इसका, वो आपने आयुर्वेदिक से बढ़ाया मतलब हम लोगों ने नेचुरल तरीके से बढ़ाया, कोई एलोपैथिक मेडिसिन या ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं, नेचुरल जो जैसे कि स्पिरुलिना या ऐसी चीजें। सर एक आप मुझे गुड न्यूज बता रहे थे, निशान की हाइट 16 इयर्स जब हमें ज्वाइन किया था या 17 में? 16 का हुआ नहीं था, नवंबर में होना था या सितंबर में ज्वाइन किया था। तब से अपने हाइट में कितना फर्क पड़ा? नियर अबाउट मेरे हिसाब से इसको 10 मंथ्स हो गए हैं ज्वाइन किए हुए,
और 10 मंथ्स में मैम 5 to 6 इंचीज इसने। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि 5 से 7 इंचेज इनकी हाइट भी बढ़ी है निशान की। कई लोग ये गलतियां करते हैं सर, जब वेट ज्यादा होता है ना, जिम में जाते हैं और इतना कार्डियो करते हैं और वो ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं होती है तो उसे हाइट करना कहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आप अपने मसल्स को नरिश नहीं कर रहे होते हो, डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो यहाँ पर निशान के मसल्स भी बढ़े हैं, हाइट भी इंक्रीज हुई है। तो सर आप पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो? कई पेरेंट्स हैं जो बच्चों को एनकरेज नहीं करते या फिर बोलते कि अरे पैसे खर्च हो रहे हैं, तुम नहीं कर पाओगे। मैडम मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अगर बच्चा ग्रोइंग एज में है हाँ, तो उसे जिम के लिए पुश मत करें। गुड, क्योंकि अगर आप जिम के लिए पुश कर रहे हैं हो सकता है आपको थोड़े रिजल्ट मिल जाए हाँ, लेकिन उसकी हाइट रुक जाएगी हाँ, क्योंकि हाइट एक टाइमली है जो मैक्सिमम बॉयज में 21 तक और गर्ल्स में 18 तक बढ़ती है। एग्जैक्टली, उसके बाद नहीं बढ़ पाएगी आप जितना मर्जी हो। तो मैं चाहूंगा भी प्रॉपर डाइट, 70% न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन और जो भी मतलब और प्रॉपर जगह से ले, प्रेफर करूंगा भी श्रेया मैडम से। ये हमारी प्रमोशन भी हो गई यहाँ से, सो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सर ग्राउंडेड है। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। कई बार बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं, हमें फर्ज बनता है कि हम अपने घर में, हमारा जो पेरेंट्स होते हैं ना, पहला स्कूल होते हैं हम लोग, सो अपने बच्चों को राइट एजुकेशन दें, उनको मोटिवेशन दें और उनके साथ खड़े रहें। अगर वो गलत जा रहे हैं तो हम उनको पकड़ के सही कर सकते हैं। सो आज निशान जी ने 122 किलो से 83 की जर्नी पूरी की है, मतलब दैट मीन्स टोटल 39 to 40 किलोस, और अभी भी 3-4 किलो और हमें कम करना है, हम कर लेंगे। अब फाइनल निशान में की फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे जब ये 75 या 80 किलोस पे आ जाएंगे। सो अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, अब 10 महीने के डाइट के बाद जब हमारा बॉडी वेट हल्का हो गया है, जॉइंट्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, अब हम कर रहे हैं यिन योगा, ट्रेपीज पे हम एक्सरसाइज कराएंगे ताकि जो स्किन लूज हुई है उसको हम टोनिंग करें। सो निशान वीर के लिए मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए आपकी तरफ से, उनके फादर के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए और ढेर सारा कंग्रेचुलेशन दोनों को। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू निशान, राइट। सो आप लोग बस मोटिवेशन हाई रखिएगा, डिटर्मिनेशन हाई रखिएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है एक इंसान के लिए। वेट गेन करना बिल्कुल जायज है, हो जाता है, पर लूज करना भी पॉसिबल है, रिवर्सिबल है। सो अपनी डिजीजेस को कंट्रोल करें, प्रिवेंशन स्टेज पे ही, चाहे वो प्री डायबिटीज हो, यूरिक एसिड हो या कोई भी मेडिकल कंडीशन, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एक जख्म को नासूर जख्म ना बनने दें, अपनी जो प्रिवेंशन है डाइट से बहुत इजीली कर सकते हैं। सो अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप इनबॉक्स जरूर करिएगा।